नमस्कार, देश रोजाना पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भूमिका है और आज के बुलेटिन में देखते हैं क्या है खास। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार, खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताकर ट्रैफिक पुलिस को दी थी धमकी। अमेठी में मुस्लिम परिवार ने शादी के कार्ड पर छापे हिंदू देवी देवताओं की फोटो, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप। शादी के कार्ड में सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश, वायरल हुई तस्वीर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बजा, ट्रंप और हैरिस के बीच कांटे की टक्कर। मतदान के दिन चुनावी सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दोनों नेता जुटे हैं मतदाताओं को लाने में। शेयर बाजार में आई भारी उथल पुथल। HDFC बैंक के शेयरों ने सेंसेक्स को 600 अंक से ज्यादा ऊंचा किया। आज बाजार में जबरदस्त उछाल, निवेशकों में खुशी की लहर। व्हाइट हाउस और एरिजोना में सुरक्षा बढ़ाई गई, ड्रोन और स्नाइपर्स तैनात। चुनाव से पहले कड़ी चौकसी, US चुनाव की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कड़े कदम, फेंसिंग और ड्रोन से सख्त निगरानी। शरद पवार ने दी राजनीति से संन्यास लेने के संकेत, कहा अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभिषेक बच्चन और निमरत कौर के अफेयर के अफवाहों पर बच्चन परिवार का बड़ा खुलासा, करीबी सूत्रों ने किया र्यूमर्स का खंडन। दिल्ली में 28 साल बाद बीजेपी को मिली उम्मीद, सर्वे में 43.4% वोट मिलने का अनुमान। हरियाणा में जीत से उत्साहित बीजेपी, दिल्ली में नई रणनीति पर जोर। सलमान खान को धमकी देने वाले अपराधी को कर्नाटका से गिरफ्तार किया गया, ट्रैफिक पुलिस को भेजी थी धमकी। अमेठी में मुस्लिम परिवार ने अपने बेटे के शादी कार्ड में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छपवा कर दिया भाईचारे का संदेश। शादी के कार्ड में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, सोशल मीडिया पर मच गई हलचल। रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। अनिल विज ने विधानसभा चुनाव में साजिश का आरोप लगाया, कहा हत्या की कोशिश भी हुई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट विधानसभा चुनाव में साजिशों का आरोप लगाया है। विज ने दावा किया कि उन्हें हराने के लिए प्रशासन ने जानबूझकर उनके खिलाफ काम किया और उनकी हत्या की साजिश रची गई। चुनाव प्रचार के दौरान कई अफसरों ने उनके खिलाफ काम किया, नगर परिषद ने उनकी स्वीकृत कामों को रोका। विज ने बताया कि शाहपुर गाँव में एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस की लापरवाही से हिंसा बढ़ गई, जबकि उनकी सुरक्षा में भी कमी रखी गई। उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी के साथ एक व्यक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाए और जांच की मांग की। सोनीपत में DAP खाद की किल्लत, किसानों में बड़ा रोष, घंटों लाइन में लगे रहे। जी हाँ, सोनीपत में धान की कटाई के साथ गेहूं की बिजाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन DAP खाद की किल्लत किसानों के लिए सरदर्द बन गई। मंगलवार को गांव बैयापुर स्थित पैक्स कार्यालय पर DAP खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी रही। एक बैग के लिए घंटों धक्का मुक्की होती रही, कई किसानों को खाद नहीं मिल पाया। किसानों ने आरोप लगाया कि पैक्स अधिकारी अपने क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कि खाद लेने में और भी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। और कृषि विभाग का भी कहना है कि ज़िले में गेहूं की बिजाई के लिए करीब 14,000 मीट्रिक टन DAP खाद की आवश्यकता है, लेकिन अब तक सिर्फ 9,400 मीट्रिक टन खाद ही पहुँचा है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने जल्द ही अतिरिक्त खाद की आपूर्ति का आश्वासन दिया है। गुरुग्राम में रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़ते ही दो छात्रों की जान ले गई कार। गुरुग्राम के सोना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर जानलेवा साबित हुआ। एक कार ने डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी लाइन में घुसकर दो छात्रों की जान ले ली। हादसा इतना भयंकर था कि कार में सवार दोनों छात्र मौके पर ही दम तोड़ गए। तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने के इस खतरनाक शौक ने उन्हें उनके परिवार को सदमे में डाल दिया और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और कार चालक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे ने फिर से साबित कर दिया कि बिना सोचे समझे रफ्तार के खेल में किसी को भी ये नहीं बख्शा जाता। सवाल ये उठता है कि एक्सप्रेस वे पर ऐसे हादसों के बाद क्या कोई सीख ली जाएगी या फिर सब कुछ जल्दी भूल जाने की वही आदत बार बार दोहराई जाती रहेगी। फरीदाबाद में लापता होती जा रही हैं लड़कियां, क्या प्रशासन सिर्फ देखता रहेगा। जी हां, फरीदाबाद में 2 महीनों में 8 लड़कियां लापता हो गई और इनमें से 7 नाबालिग हैं। परिजनों को पूरी उम्मीद है कि कहीं लव जिहाद तो नहीं हो रहा, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। क्या ये हाल है हमारी सुरक्षा व्यवस्था का, जहां लड़कियां गायब हो रही हैं और प्रशासन अपनी रफ्तार में आराम से दौड़ रहा है। हर दिन कोई ना कोई लड़की लापता है हो रही है, लेकिन लगता है प्रशासन के पास समय ही नहीं, या फिर वो इंतज़ार कर रहा है कि मामला और बिगड़े तब एक्शन ले। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस को लड़कियों के लापता होने के बाद भी कोई फर्क पड़ेगा या फिर सिर्फ बयानबाजी और जांच की खाना पूर्ति होती रहेगी, ये देखने वाली बात होगी।
तो इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, ताजा तरीन खबरों और नवीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।